हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित शीर्षक पर लाया हूं और शीर्षक का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर। इसके क्या टाइप्स हैं, मतलब कितने प्रकार हैं और इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो आइए चलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के पीटी में और विभिन्न स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के मेंस और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर AJ स्पेस दीजिए, IAS लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, एकेडमी लिखिए, स्पेस दीजिए और इंदौर लिखिए। आपको मेरे द्वारा सारे अपलोडेड वीडियोस ऑटोमेटिकली ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं कि उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, कितने प्रकार के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हिंदुस्तान में किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब ऐसी एक्टिविटी जो लैंड से जुड़ा हुआ है, द रूटेड इन लैंड। एग्रीकल्चर मतलब होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और इसके तहत में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर को बोलते हैं फिशरीज। फ्लोरिकल्चर और बहुत सारे फार्मिंग, जैसे कि सेरिकल्चर, जो सिल्क का उत्पादन करते हैं उसको सेरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर मतलब फूल का उत्पादन करते हैं उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न एक्टिविटीज हमारे देश में एग्रीकल्चर के तहत में की जाती है और सभी को ग्रुपिंग में एग्रीकल्चर ही कहते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे देश में फार्मिंग के कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहला है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब यह होता है कि हम उतना ही उपजाते हैं जितना कि हमें खपत करना होता है परिवार के सदस्यों के द्वारा। हमारे पास में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है कि हम उसको मार्केट में ले जाकर के बेचें। तो खास करके जो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग और जो कावेरी डेल्टा का इलाका है साउथ इंडिया में, इन एरिया में को छोड़ करके अधिकांश जगह में, खास करके जो ट्राइबल बेल्ट हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न इलाके, या ऐसे इलाके जहां ड्राई फार्मिंग होती है, या ऐसे भी इलाके हैं जहां पर कि इरिगेशन की सुविधा नहीं है और जो एनुअल प्रिसिपिटेशन होता है या रेनफॉल होता है वो 50 मिलीमीटर से एनुअल पर कम होता है, तो ऐसे जगहों पर सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। और इसी कारण से, इसी एक सबसिस्टेंस फार्मिंग में ही एक और विशेषता होती है, मिक्स क्रॉपिंग। खास करके नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में इसका प्रचलन ज्यादा है। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब यह होता है कि एक साथ बहुत सारे जींस, जैसे कि व्हीट, बार्ले या ज्वार या पल्सेस,
ये सारे पौधे एक साथ, ये सारे बीज एक साथ डाल दिए जाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मानसून अच्छा रहा अगर, तो गेहूं का पैदावार अच्छा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मानसून या बारिश नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में जो कम जिसमें पानी लगता है जिस पौधे में, जैसे बारले हुआ या ज्वार हुआ या पल्सेज हुआ, तो इनकी पैदावार हो जाएगी। तो एक तरह का ये एक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का ही भाग है, क्योंकि किसान ये चाहता है कि अगर इन केस अकाल हो जाए तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ उसे प्राप्त हो ताकि उसका जीवन यापन ठीक ढंग से चले। दूसरे प्रकार का जो कल्टीवेशन है वो है प्लांटेशन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में प्लांटेशन कल्टीवेशन की शुरुआत ब्रिटिशर्स या यूरोपियन ने किया था 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। और इसका जो बेसिक है वो जैसे कि कॉफी हुआ, टी, रबर, कोकोआ, शुगर केन, टोबैको, टोबैको नहीं है, हाँ शुगर केन। तो ये सब जो जैसे कॉफी है, टी, रबर, कोकोआ, या अंग्रेजों ने इंडिगो कल्टीवेशन किया था क्योंकि उस समय में यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। तो दोस्तों इस प्लांटेशन कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, पूंजी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पर कि कॉफ़ी, जैसे कि कॉफ़ी का उत्पादन साउथ इंडिया में, कर्नाटक में, केरल में उपजाया जाता है। उसी तरह से टी का उत्पादन अधिकांशतः नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में होता है, प्लस दार्जिलिंग, और इसके अलावा रबर सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादन होता है। तो ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, और इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, प्रोसेसिंग की सुविधा होनी चाहिए। तो हमारे देश में पिछले 200 वर्षों से प्लांटेशन कल्टीवेशन भी किया जाता रहा है। इसके अलावा तीसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन अधिकांशतः नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में इसका कृषि किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है, और उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्र में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। इसका जो बेसिक जो अर्थ है वो ये है कि किसी भी लैंड को कल्टीवेट करने के बाद में उसको फिर 10-12 साल तक उसको छोड़ देते हैं, और ताकि वो प्रोडक्टिविटी रिगेन करे, प्राप्त करे, और फिर उस लैंड को एग्रीकल्चर के काम में नहीं लेते हैं और फिर दूसरे लैंड का उपयोग करते हैं, और फिर 10-12 साल के बाद में जहां शुरू के लैंड में जहां पर हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया था वहां पुनः कल्टीवेशन का काम किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रकार के कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा जंगल की बर्बादी होती है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में डिफॉरेस्टेशन
बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका रीज़न ये होता है कि आदिवासी लोग जंगल को जला देते हैं, उसके बाद में उस वहाँ पर की खेती करते हैं, खेती करने के बाद उस इलाके वहाँ उस ज़मीन को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, वहाँ भी फिर जंगल को जला देते हैं, फिर वहाँ कल्टीवेशन करते हैं। तो ऐसे जो इस प्रकार के जो कल्टीवेशन है उससे लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रिमिटिव कल्टीवेशन है, इसमें सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन का ही एक आप भाग समझ लें, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पैदावार नहीं होता है कि किसान अपने पैदावार को, प्रोड्यूस को मार्केट तक ले जाए। उनको उतना ही पैदावार होता है जिससे कि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जो कि हमारे लैंड यूज के लिए या सॉइल के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और इसको जागरूकता अभियान के द्वारा ही वहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल्स इलाके हैं वहाँ के आदिवासियों को समझाया बुझाया जा सकता है और उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से रोका जा सकता है। इसके बाद तीसरा जो चौथा जो इम्पॉर्टेंट टाइप है एग्रीकल्चर का अपने हिंदुस्तान में, वो है कॉमर्शियल। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हिंदुस्तान में 1967 से हुई और इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स था वो था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्लस क्रेडिट फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स टू फार्मर्स। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरू में पंजाब पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हुआ। इसके बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कल हम डिटेल में व्याख्या करेंगे और उसके लिए पृथक से वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं दोस्तों कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने से हमारा देश जो फूड ग्रेन्स के मामले में, अनाज के मामले में हम अमेरिका पर या दूसरे पश्चिमी देशों पर निर्भर थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने से हिंदुस्तान जो अनाज के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था, खास करके अमेरिका पर, हम आत्मनिर्भर हो गए और हम में इतनी कैपेसिटी हो गई, माने हिंदुस्तान के कृषि की इतनी कैपेसिटी हो गई कि वह अपने लोगों को खाना खिला सके। तो इससे ही, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने से ही कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। और ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है दोस्तों, कि जो किसान अनाज का उत्पादन करता है, चाहे गेहूं या चावल या मक्का या ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, सरसों या तिलहन, जो भी उपजाता है, अगर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो सरप्लस बच जाता है, उस सरप्लस फूड ग्रेन को तो सरप्लस फूड ग्रेन को जब मार्केट तक वो ले जाता है तो उसको बोलते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि खास करके पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी के इलाके जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में इरिगेटेड लैंड हैं, और सबसे पहले यहीं पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। आजकल ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ईस्टर्न इंडिया में भी पेनिट्रेट कर गया है, और ख़ास करके जो कोस्टल एरियाज हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के जो कृष्णा कावेरी और गोदावरी के डेल्टा हैं, महानदी के उड़ीसा के जो डेल्टा हैं, बंगाल का जो लोलैंड का इलाका है, वहाँ तक जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत खास करके राइस के उत्पादन में हुआ है। तो दोस्तों, इससे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और जो किसान के पास में जो अपना सरप्लस जो पैदावार हुआ उसको वो मंडी तक ले जाते हैं, मंडी में उसको बेचते हैं, और इस तरह से एक पुलक जिसको कि रिच फार्मर्स बोलते हैं कि का डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि चार प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंडिया में किए जा रहे हैं वर्तमान समय में। अब हम चलते हैं रीजन्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो विभिन्न प्रकार के स्कॉलर्स के अवधारणा के हिसाब से छह प्रकार के रीजन निर्धारित किए गए हैं, 6 टाइप ये जो एग्रीकल्चरल रीजन है उसका बेसिक सिद्धांत यह है कि प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्लाइमेट में टेम्परेचर भी आ जाएगा, रेनफॉल, तो दोस्तों जो 6 प्रकार के जो रीजन जो निर्धारित किए गए हैं हिंदुस्तान में, उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो है क्रॉपिंग पैटर्न। और ये क्रॉपिंग पैटर्न का निर्धारण कैसे हुआ है? क्लाइमेटिक चेंजेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का हिस्सा है हिंदुस्तान, तो वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस भी हैं। तो जैसे केरल का जो क्लाइमेट है वो आपको बिहार में नहीं मिलेगा, और जो बिहार में क्लाइमेट है वो आपको मेघालय में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से, और प्रोडक्टिविटी, जो सॉइल का जो प्रोडक्टिव, मतलब हिंदुस्तान, जैसे कि मैं पहले के वीडियो में काइंड्स ऑफ सॉइल इन इंडिया के बारे में हमने बताया था कि इंडिया में एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड लेटराइट, सैंडी सॉइल, एरिड सॉइल, पीटी एंड मार्सी सॉइल, इन सब सॉइल के बारे में हमने विस्तृत वीडियो बनाया था, आप जरूर देखें उसको। तो हिंदुस्तान में अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं एग्रीकल्चर रीजन्स को निर्धारित करने के लिए, और इसीलिए विद्वानों ने 6 प्रकार के रीजन्स निर्धारित किए हैं। और वो रीजन्स क्या क्या है? पहला राइस, राइस जूट टी रीजन, जैसा कि इसके राइस और जूट और टी कहने से ही समझ में आता है कि आप जानते हैं कि राइस का इलाका हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिहार, बंगाल
आजकल पंजाब में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ कम होता एरिया में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो महानदी डेल्टा है छत्तीसगढ़, ब्रह्मपुत्र वैली, जो कि आसाम में है, तो ये एरिया जो है राइस के प्रोडक्शन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हालांकि हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी राइस का उत्पादन होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली राइस का सबसे ज़्यादा उत्पादन इस एरिया में होता है। तो दोस्तों, राइस और जूट का उत्पादन, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और इसके अतिरिक्त टी का उत्पादन सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में और खास करके दार्जिलिंग के इलाके में होता है। तो इस तरह से जो राइस, जूट, टी का जो बेल्ट है, उसमें कौन कौन सा एरिया आएगा? बंगाल, बिहार, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। दूसरा जो दोस्तों जो एरिया है उसको बोलते हैं व्हीट एंड शुगर को, शुगर केन बेल्ट या रीजन। इस एरिया में सबसे ज्यादा व्हीट का उत्पादन होता है, और ये कौन कौन से स्टेट हैं? पंजाब, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ इलाके जो पंजाब से सटे हुए इलाके हैं, और वो इलाके जहाँ इंदिरा कैनाल गई हैं, गुजरती है, तो ये इलाके जो है ना व्हीट के लिए उत्पादन के लिए गेहूं और गन्ना के उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा रीजन कौन सा है? कॉटन। जैसे दोस्तों मैंने सॉइल टॉपिक में हमने बताया था कि कॉटन का कौन सा एरिया है, तो आप जानते हैं कि कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा जो मुफीद सॉइल है वो क्या है? रेगुड़ सॉइल या ब्लैक सॉइल। और ये सॉइल कहाँ मिलता है? मालवा प्लेटो, और दूसरा डेक्कन ट्रैप। ये डेक्कन ट्रैप जो है वो महाराष्ट्र और साउथ में इसका एक्सटेंशन तमिलनाडु के अपर रीचेस तक गया है। तो ये जो पूरा इलाका है, जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, वो बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन प्रोडक्शन के लिए है, तो इसको हम बोलते हैं कॉटन रीजन। चौथा रीजन को बोलते हैं मेज एंड दोस्तों मेज मने मक्का, और कोर्स क्रॉप्स मतलब जो मोटे अनाज होते हैं उसका ज्यादा उत्पादन आप देखेंगे कि राजस्थान में होता है। गुजरात का जो उत्तरी इलाका है, जो राजस्थान से सटा हुआ है, जहाँ पर कि रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से, एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होता है, वहाँ पर मक्का
और मोटे अनाज यानी ज्वार है, बाजरा है, इन मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त जो पांचवा रीजन है उसको बोलते हैं मिलेट्स। तो दोस्तों मिलेट और आयल सीड जो तेलहन है, जैसे सरसों है, रागी है, ये सारे जो तेलहन का सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो है तमिलनाडु। कर्नाटक आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना के सहित और केरल, ये जो साउथ के जो पांच स्टेट हैं उनको मिलेट्स एंड आयल सीड उत्पादन का रीजन माना जाता है। हालांकि सोयाबीन उत्पादन में जो कि एक तेलहन ही है मध्य प्रदेश नंबर एक पर पहुंच गया है और मालवा के काफी बड़े हिस्से में सोयाबीन का उत्पादन होता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के आधार पर भूगोल विद्वानों ने हिंदुस्तान के पूरे रीजन को छह भाग में विभाजित किया और जो सबसे लास्ट जो रीजन है वह है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रीजन दोस्तों पश्चिम में उत्तर में जम्मू कश्मीर J&K और पूरब में आसाम तक, ईस्ट में आसाम या असम, ये जो एरिया है जो हिमालय की तलहटी का इलाका है, हिमालय क्षेत्र है, ये विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स जैसे संतरा हुआ, एप्पल, सेब, इसके लिए खासकर पश्चिमी इलाके में जम्मू कश्मीर का इलाका, हिमाचल का इलाका, उत्तराखंड का इलाका तो इसके लिए प्रसिद्ध है। और विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स उत्पादन भी ईस्टर्न एरियाज में खासकर के आसाम में, मेघालय में इसका उत्पादन होता है। तो इस तरह से दोस्तों छह प्रकार के रीजन्स का निर्धारण विद्वानों ने किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब हम कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में चलते हैं कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर्स के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं, क्या तथ्य क्या हैं। तो आइए, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत पुराने समय से चली आ रही है और इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व के चार महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन में से एक है और ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले भी वहां पर विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन होता था, जिस तरह से बेबीलोन में होता था या इजिप्ट में होता था या चाइना में होता था। तो इस तरह से जो चार महत्वपूर्ण जो एंशियंट टाइम्स के सिविलाइजेशन हैं उसमें हिंदुस्तान का सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या जिसको हड़प्पन कल्चर कहते हैं, तो अभी जो वर्तमान स्थिति है एग्रीकल्चर की उसके बारे में बताना चाहता हूं। और ये डाटा मैं जो दे रहा हूँ वो 2015-16 का दे रहा हूँ। तो 58% जो लोग हैं वो सीधे सीधे एग्रीकल्चर पर आधारित हैं, माने उनका जो गुजर बसर भारतीय कृषि पर आधारित है। आज़ादी के समय में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, more than 80%, लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर पर से जो निर्भरता है वो कम होती गई, बिकॉज जो दूसरे सेक्टर्स खास करके इंडस्ट्रीज और जो टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर्स की वृद्धि होने से बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से सर्विसेज और इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। तो इस तरह से जो निर्भरता है एग्रीकल्चर पर वो टोटल जो पॉपुलेशन का जो भाग है वो है 58%।
चाइना में 1980 के दशक में हिंदुस्तान में और चाइना दोनों की जो एग्रीकल्चर पर लोगों की निर्भरता लगभग समान ही था, लेकिन पिछले 40 साल के दरमियान चाइना में काफ़ी इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, सर्विस सेक्टर में बहुत बढ़ावा मिला और जिसके कारण से चाइना में सिर्फ और सिर्फ 35% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का, इंडियन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज़ादी के समय में ये कंट्रीब्यूशन लगभग 48% था, वो धीरे घटते घटते आज की तारीख में 14% रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर है, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि जितना भी डेवलप्ड कंट्री होता है उसमें एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और कम होता जाता है और साथ साथ जो लोगों की निर्भरता है एग्रीकल्चर पर वो भी कम होती जाती है। जैसे कि अमेरिका में सिर्फ 3% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो इंडियन एग्रीकल्चर की है वो है कल्टीवेशन एरिया। और दोस्तों यह जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर कि 55% ऑफ द रिपोर्टिंग एरिया कैन बी कल्टीवेटेड। अगर आप इसकी तुलना दूसरे देशों से करें तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे कि कनाडा में मात्र 4% एरिया जो है 4% ऑफ एरिया कैन बी कल्टीवेटेड। उसी तरह से चाइना में मात्र 12%, यूएसए में 16%। ओनली 16% ऑफ द लैंड कैन बी कल्टीवेटेड इन यूएसए और इन चाइना ओनली 12% और इवन लेस देन 12%, अबव 10% लैंड कैन बी कल्टीवेटेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। बट इन इंडिया 55% ऑफ द रिपोर्टिंग एरिया कैन बी कल्टीवेटेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो वी आर वेरी मच ब्लेस्ड ऑन दिस फ्रंट। अभी हिंदुस्तान में जो पूरा जो रिपोर्टिंग एरिया है उसका 22% भाग, मतलब 70 मिलियन हेक्टेयर ये फॉरेस्ट के कवर में है। हालांकि ये 1/3 होना चाहिए, लेकिन धीरे चूंकि काफ़ी दिनों से डिफॉरेस्टेशन होने के कारण अंग्रेजों के समय में बहुत ज़्यादा फॉरेस्टों का दुरुपयोग हुआ, दोहन हुआ और इसके बाद आज़ादी के बाद से भी जलावन के उपयोग में लोगों ने और स्मगलरों ने अंधाधुंध लकड़ी कटाई किया, जिसके कारण से फॉरेस्ट का कवर 22% या 70 मिलियन हेक्टेयर्स हिंदुस्तान में बच गया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल एरिया जो है हिंदुस्तान का वो है 328.75 मिलियन हेक्टेयर, ये टोटल एरिया है और इसमें से जो है रिपोर्टिंग एरिया है वो 93%, मतलब जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी है तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग एरिया। 7% के बारे में हमें उस लैंड के बारे में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है तो इसलिए हम उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वो जो 93% जो लैंड है जिसकी जानकारी हमारे पास है वो उसका क्षेत्रफल है 306.25 मिलियन हेक्टेयर्स। अब जो कल्चरेबल जो वेस्ट है उसकी तादाद, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 12.83 मिलियन हेक्टेयर्स और ये पूरे रिपोर्टिंग एरिया का 4.52% है। और इसी तरह से नेट सोन एरिया जहाँ पर कि कल्टीवेशन होता है वो जो नेट सोन एरिया है उस वो टोटल का क्षेत्रफल है 141.23 मिलियन हेक्टेयर्स जो कि पूरे रिपोर्टिंग एरिया का 46.15% है। और दोस्तों एरिया सोन मोर देन वंस, माने एक ही लैंड को दो या तीन बार हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसे रबी का क्रॉप ले सकते हैं नवंबर से लेकर के मार्च के सीजन में जो क्रॉप पैदावार होता है उसको रबी क्रॉप बोलते हैं। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मानसून
खास करके जून जुलाई से जो हम जो सोइंग करते हैं, खास करके पैडी या सोयाबीन, पैडी माने धान या चावल, तो उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। और तीसरा एक और फसल है, उसको बोलते हैं जैद। इस जैद फसल को मार्च में बोया जाता है, खास करके जो मूंग दाल है जो बिहार यूपी में बहुत प्रसिद्ध है, ये दाल का उत्पादन फरवरी मार्च महीने में इसकी बुआई होती है और ये जून जुलाई तक चलता रहता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून इन नॉर्दर्न इंडिया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे वेजिटेबल्स मार्च महीने में से लेकर के जून जुलाई महीने तक उगाए जाते हैं, खासकर वाटरमेलन आदि, तो इसको बोलते हैं जायद। तो ऐसे एरिया जहां पर कि एक से अधिक बार पैदावार लिया जाता है उसको, उसका जो क्षेत्रफल है वो 48.51 मिलियन हेक्टेयर है। और इस तरह से अगर एरिया सोन मोर देन वंस और नेट सोन एरिया दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा। और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, 189.74 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों इसमें से जो टोटल इरिगेटेड लैंड है, एरिया है, उसका क्षेत्रफल है 78 मिलियन हेक्टेयर। मतलब ये पूरे हमारे रिपोर्टिंग एरिया ऑफ लैंड का 55.3% है। एक बहुत बड़ा एरिया इरिगेटेड हमारे पास में है। आज़ादी के समय में ये लगभग 25-27% था, जिसको कि आज़ादी के बाद विभिन्न सरकारों ने इरिगेशन पर ध्यान दिया, कैनाल सिस्टम को बढ़ावा दिया गया और टैंक्स के निर्माण किए गए, ट्यूबवेल्स खोदने के लिए किसानों को सब्सिडी दिए गए, जिससे इरिगेशन का जो क्षेत्रफल है, ये टोटल इरिगेटेड लैंड का क्षेत्रफल 78 मिलियन हेक्टेयर है हिंदुस्तान में, जो पूरे रिपोर्टिंग एरिया का 55.3% होता है। तो दोस्तों जो इरिगेटेड लैंड है हमारे पास में, वो इतना बड़ा भूभाग किसी के पास में नहीं है। लेकिन इसका जो एक माइनस पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। एक और कुछ फैक्ट्स मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस जो है, सबसे ज़्यादा उपज इजिप्ट में होता है और वहाँ पर 9.8 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उपज होता है, जबकि इंडिया में सिर्फ 2.9 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है, और जबकि जो वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 3.96 है। ये सारे जो हम डाटा दे रहे हैं वो 2015-16 का है। और इसी तरह से व्हीट में, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो पैदावार हुआ है वो हुआ है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, 7.70 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। लेकिन हिंदुस्तान का जो पैदावार है वो सिर्फ 2.71 है, 7.1 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। और चाइना में जो हमारे साथ ही शुरुआत किया था उसका पैदावार 4.25 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, जो लगभग हमारे से दोगुना है, लगभग दोगुना। ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। और रेपसीड या पल्सेस या अन्य पल्सों का जो उत्पादन है वो हमारे हिंदुस्तान में 909 kg प्रति हेक्टेयर और चाइना में 1707 kg प्रति हेक्टेयर, मतलब लगभग दूने के बराबर प्रोडक्टिविटी है। ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। दूसरा, हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर की जो एक बहुत बड़ी खामी है वो है कि चाइना की तरह हमारा एग्रीकल्चर आज़ादी के बाद में इतना प्रयास करने के बाद भी उतना डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ जितना चाइना में हुआ। जैसे उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में
फार्मिंग या कल्टीवेशन एक पार्ट है, लेकिन उसका एक अन्य महत्वपूर्ण पार्ट भी है, उसका नाम है हॉर्टिकल्चर। और आप देखेंगे कि चाइना में उन्होंने फार्मिंग को तो डेवलप किया ही और साथ साथ उन्होंने हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ावा दिया, और जिसके कारण से जो 2003 के आंकड़े हैं मेरे पास में, और ये बताते हैं कि 450 मेट्रिक टन का उत्पादन चाइना में हुआ था, जबकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 135 मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ, जबकि 80 के दशक में दोनों कंट्री में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन 15 साल के दरमियान ही, लगभग 20-25 साल के दरमियान में ही चाइना बहुत आगे बढ़ गया और उसने अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाइड कर लिया। इसका एक बानगी और भी है कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में चाइना में जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है, एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी का शेयर 45% है, जबकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लेस देन 30% है। तो यहाँ पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने देखा कि जहाँ तक प्रोडक्टिविटी का सवाल है, तो इन स्पाइट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और इसका एक्सटेंशन इन द ईस्टर्न स्टेट्स लाइक बिहार एंड यूपी इन राइस प्रोडक्शन, अभी भी हम विश्व के मानक से बहुत पीछे हैं और खास करके चाइना से तो बहुत ही पीछे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। अब चलते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, कि हमारे देश के जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़े आबादी वाला देश है और हम लगभग 130 करोड़ 135 करोड़ आबादी वाले देश हैं और विश्व के नंबर दो आबादी वाले देश है आफ्टर चाइना, लेकिन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2.4% ही विश्व का भूभाग है। चाइना हमसे 2.75 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के मान से, अगर आप देखेंगे अमेरिका भी हमसे लगभग 2.75 गुना बड़ा है, कनाडा हमसे लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारे पास में क्षेत्रफल है, एरिया है, उसके हिसाब से हमारे पास में आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स, जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास में 55% जो है ना क्रॉप एरिया है, पूरे जो टोटल जो हमारे पास में लैंड है उसका 55% हमारे पास में क्रॉप एरिया है जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा माइनस जो है, बहुत बड़ा आबादी के कारण और जो कुछ सोशल प्रैक्टिसेज हैं, और सोशल प्रैक्टिसेज क्या हैं कि पिता के मरने के बाद में मान लीजिए जो 4 भाई है, तो वो अगर उसके पास में पिता के पास में 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ को 4 भाग में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक भाई को 2.5-2.5 एकड़ करके मिलेगा और इस तरह से जमीन का विखंडन हो जाता है। अगले जनरेशन में जाके मान लीजिए कि इस व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति के पास में 2.5 एकड़ जमीन हुआ, इसके पास में 2 बच्चे हैं तो 1.25 एकड़ ऑफ लैंड। अगर ये तीसरे जनरेशन में जाए और मान लीजिए कि बी नाम के व्यक्ति को 2 बच्चे हैं तो इसका क्या होगा, 62.5% इसका हो जाएगा, मतलब 62.5, मतलब 0.625 एकड़ रह जाएगा, इतना ही रहेगा। और इस तरह से जमीन जो है ना टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया है, खास करके यूपी बिहार में जहाँ पर कि पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लैंड की एबिलिटी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में
जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वह 0.10 हेक्टेयर। पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लेकिन अगर विश्व के मानक से देखें तो वहां 4.5 हेक्टेयर। लैंड है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा गैप है। इस तरह से अगर हम एवरेज माने तो पूरे हिंदुस्तान में अगर एवरेज माने तो 1.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर पर्सन इज अवेलेबल, पर पर्सन लेकिन अगर हम बिहार का उदाहरण ले लें तो वहां पर मात्र 0.70 हेक्टेयर ऑफ लैंड है उपलब्ध पर व्यक्ति के लिए, और यूपी में 0.72 और केरला में 0.30 हेक्टेयर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर है हमारे यहाँ लैंड पर, और इसके कारण से जमीनों का विभक्तिकरण हो गया है, फ्रेगमेंटेशन हो गया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो लैंड होल्डिंग्स है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो है राजस्थान में, और सबसे कम केरल में। यहां पर 4 हेक्टेयर ऑफ लैंड है उपलब्ध और यहां पर 0.30 हेक्टेयर। आप समझ सकते हैं कितना गैप है। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स के कारण हिंदुस्तान में सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो योजना शुरू की गई हैं उसका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है कि किसी के पास में 3 कट्ठा जमीन एक जगह है, 2 कट्ठा जमीन, मान लीजिए उसके पास में 2 एकड़ जमीन है, तो 2 एकड़ जमीन वो भी एक जगह नहीं है, तो 2 कट्ठा जमीन जो है ना यहाँ इस जमीन से 3 किलोमीटर दूर में है। अब सवाल ही जो उठता है कि 3 कट्ठा यहाँ, 2 कट्ठा यहाँ, 1 कट्ठा जमीन जो है यहाँ से इस जमीन से 1 किलोमीटर दूर में है, तो ना तो वहाँ पर ठीक ढंग से किसान खेती कर सकता है, ना वो सिंचाई की सुविधा कर सकता है, ना वहाँ पर ट्रैक्टर से उसकी जुताई हो सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई के लिए प्लॉट का एरिया बड़ा होना चाहिए, कोई 2-3 कट्ठे जमीन में नहीं होता है ट्रैक्टर की जुताई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स होने के कारण जो सरकार के जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएँ आज़ादी के बाद से शुरू की गई है उसका लाभ स्मॉल एंड मीडियम जो किसान है वो नहीं ले पाए। इसका लाभ सबसे ज्यादा रिच किसान ले पाए जिनके पास में 10 हेक्टेयर जमीन। दस हेक्टेयर से ऊपर की जमीन, अबव 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड जिन किसानों के पास में था वो किसान सरकार के द्वारा लाए गए विभिन्न योजनाओं का उपयोग किया, और जिसके कारण से देहाती क्षेत्रों में एक कुलक जिसको रिच किसान कहते हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान के इलाके में उत्पत्ति हुई, जो सभी प्रकार के संसाधनों से लिप्त थे और जिन्होंने एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रकार के उपयोग प्रयोग किए क्योंकि उनके पास कैपिटल था, उन्होंने सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ लिया। लेकिन इस 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड वाले जो किसान थे उनकी तादाद मात्र 4% है, 4%। एंड द टोटल क्रॉप एरिया का मात्र जो है 30% भाग इनके पास में है।
क्षेत्र पर। बाकी 70% जो लैंड है वो किसके पास में है, स्मॉल एंड मीडियम पीजेंट्स के पास, किसान के पास। और जिसके कारण से जो एग्रीकल्चर में जिस प्रकार की जो का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इसी कारण से हम चाइना से पिछड़ गए हैं। क्योंकि जो सरकारी योजना हुआ है, जो कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर का जो भी उपयोग हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ 4% किसानों के द्वारा ही उसका उपयोग किया गया, और जिसके कारण से सिर्फ और सिर्फ, चूंकि ये 4% जो किसान हैं और जिनके पास में 10 हेक्टेयर से अबव लैंड है, उनकी उनका जो पूरा एरिया है वो है 30%। तो इस जो 30% जो कल्टिवेबल लैंड है उसी पर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन या नए साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स और मैन्योर्स, ऑर्गेनिक या फर्टिलाइजर्स, एनपीके जिसको बोलते हैं, या क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक्स आरआरबी या कोऑपरेटिव बैंक, इन बैंकों ने भी इसी रिच कुलक को क्रेडिट फैसिलिटी भी सबसे ज़्यादा दिया। और इस लेकिन 30% ये 4% किसान जो 30% जोत के मालिक हैं वो 100% का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि जो चाइना में जो प्रोडक्टिविटी है वो हमसे डबल हो गया है, और कम लैंड का मतलब कम कल्टीवेटेड लैंड होने के बावजूद हिंदुस्तान के 2.5-3 गुना बड़ा है चाइना एरिया में, लेकिन जहाँ तक कल्टीवेबल लैंड का सवाल उठता है तो या इरिगेटेड लैंड का सवाल उठता है तो वो इंडिया से कम है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो उत्पादन है जो व्हीट का या राइस का या पल्सेस का, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हिंदुस्तान से डबल के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको डेटा बताया था। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इरिगेशन। अभी भी हमारा जो क्रॉप्ड एरिया है, जो नेट सोन एरिया है, उसका 55% ही हम इरिगेट कर पाए हैं, और 45% जो है अभी भी वो नेट सोन एरिया क्या है, रेनफेड एरिया है। तो हम मानसून पर निर्भर रहते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मानसून हमेशा इरेटिक होता है, दोषपूर्ण होता है। कभी मानसून होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, बारिश होगी, कभी नहीं होगा तो एकदम पूरे के पूरे ड्राउट हो जाएंगे, 10-10 दिन तक, महीना दिन तक बारिश होगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो रेनफेड, इसको बोलते हैं रेनफेड एरिया, और ये 45% जो एरिया है उसमें अक्सर अकाल होते रहते हैं। और दोस्तों ये सारे जमीन जो हैं वो इसमें ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है, और चूंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ड्राई लैंड फार्मिंग में आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा मैन्योर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसका कारण क्या है कि नहीं तो उस पर फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी प्रोडक्टिविटी होती है ड्राई लैंड की बहुत कम हो जाती है, और वो लगभग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो जाता है, जिसमें किसान काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, पूंजी लगाने के बाद भी उसके पास में इतना पैदावार नहीं होता है कि वो अपने जरूरियात को पूरा करने के बाद में मार्केट में उसको बेचे और उससे उसको आमदनी हो पाए। तो इसमें ये जो 45% जो नेट सोन एरिया है इसको, इसमें इरिगेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, और इरिगेशन तभी बढ़ेगा इन इलाकों में जहाँ
जहां पर काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसे कि चाइना ने किया है दोस्तों, चाइना ने तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, थोड़ा सा डाइग्रेशन होने के बावजूद मैं बता देना चाहता हूं कि पहला इन्वेस्टमेंट, ये तीन बातों पर चाइना ने विशेष रूप से ध्यान दिया। पहला इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज, इसके तहत में उन्होंने पूंजी को देहाती क्षेत्र में पंप किया, वहां के रोड्स को दुरुस्त कराए ताकि ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हो, जहां पर पानी लेवल फील्ड था वहां पर कैनाल की व्यवस्था किया, जहां उनको लगा कि यहां पर ट्यूबवेल्स की आवश्यकता है वहां ट्यूबवेल्स लगाए, टैंक्स खुदवाए। तो इस तरह से नेट सोन एरिया उनका हिंदुस्तान से कम होने के बावजूद भी उनका जो इरिगेटेड एरिया है वो लगभग लगभग पूरा हो गया। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो नेट सोन एरिया है विश्व के किसी भी देश से ज़्यादा है। हमारा जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 55%, जैसे मैंने बताया कि हमारा क्रॉप एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी 45% इतना एरिया है जो नॉन इरिगेटेड लैंड है, मतलब नॉन फेयर सॉरी रेन फेड एरिया है। तो इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया रूरल एरियाज में, सिंचाई को बढ़ावा दिया, और दूसरा फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और उसका मतलब ये होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में वहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अलग से बजट एलोकेशन किए गए, और इसी कारण से पिछले 2005 तक उनके पास में पैडी के, मतलब धान के 100 से ज्यादा स्ट्रेन उन्होंने डेवलप कर लिया, और आज की तारीख में चाइना में कोई भी लोकल जो धान का जो लोकल बीज से कोई उत्पादन नहीं होता है, 100% जो है ना डेवलप्ड स्ट्रेन से, स्ट्रेन ऑफ सीड से उत्पादन होता है। तो जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिला, और वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अलग किया गया, उसके लिए एलोकेशन ऑफ फंड्स अलग किए गए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो सर्विसेज के लिए फंड्स अलग किए गए, दोनों के लिए अलग अलग ईयर मार्क किए गए। अभी अपने हिंदुस्तान में क्या है कि जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उसमें 97% पैसा जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा हो जाते हैं, पे और अलाउंसेस पर कर्मचारियों के, और 3% मात्र जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रह जाता है। हालांकि हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने काफी ज्यादा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास किया है, बहुत सारे जेनेटिकली डेवलप्ड स्ट्रेंस ईजाद किए उन्होंने, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब हम चाइना का मुकाबला करेंगे तो हम कहीं नहीं पाते हैं, और उसका रीजन क्या है कि चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया। हमारे देश में 40,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जो हिंदुस्तानी सरकार के पेरोल पर हैं, मतलब सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन जब रिसर्च में रिजल्ट या आउटपुट का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चाइना में बहुत ज़्यादा इसका आउटपुट पिछले 25-30 साल में हुआ है, और इसी कारण से जो उन्होंने जेनेटिकली जो डेवलप्ड जो सीड्स ईजाद किए हैं
स्ट्रेंथ ऑफ सीड ईजाद किए हैं, उसके कारण से प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बीटी कॉटन अभी चाइना में टोटल जो प्रोडक्शन होता है कॉटन का, वो बीटी कॉटन सीड्स के आधार पर होता है। तो इस कारण से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और तीसरा लिबरलाइज एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसके तहत में चाइना के द्वारा एक कोशिश किया गया कि सब्सिडीज को कम से कम किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि सब्सिडी देने से मार्केट फोर्स पर उसका विपरीत असर पड़ता है। तो इस तरह से चाइना ने एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी डेवलप्ड कंट्री के बराबर एग्रीकल्चर में विकास किया, और उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो किसी भी डेवलप कंट्री से कम नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इरिगेशन में आज़ादी के बाद से जो कैनाल्स के द्वारा जो इरिगेशन हुआ, उसमें 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। जो ट्यूबवेल्स और वेल्स के द्वारा, कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा जो सिंचाई होती थी, खासकर के दक्षिण भारत में, या टैंक के द्वारा, उसमें 6 गुना ज़्यादा की वृद्धि हुई है। तो इरिगेशन में सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी हमारे पास में, जैसा मैंने बताया, 45% ऐसा एरिया है जो कि रेनफेड है, ड्रॉट प्रॉन है, जहाँ पर कि मानसून पर आधारित कृषि की जाती है, और जिसके कारण से 2-3 साल 4 साल में हमेशा मानसून के धोखा देने से वहाँ के समस्या बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। तो इरिगेशन को भी बढ़ावा देना होगा, और जो रेनफेड एरिया है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा करनी होगी, और जिसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन लार्ज स्केल, एक और इम्पॉर्टेंट जो समस्या है हिंदुस्तान में वह है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छे भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह से पौधों के विकास के लिए फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है। अगर हम खाद का उपयोग, खाद में दोनों आएगा, ऑर्गेनिक खाद भी, जैसे गोबर खाद बोलते हैं या कंपोस्ट खाद बोलते हैं, या NPK मतलब नाइट्रोजन तीनों की, इस खाद की सख्त जरूरत होती है, या आप कंपोस्ट खाद, अगर हम खाद नहीं देंगे, या तो कंपोस्ट खाद देना होगा या केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें कि जिसको NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास, तो अगर हम नहीं देंगे तो हमारा पैदावार अच्छा नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान की जो प्रोडक्टिविटी है उसका कम होने का रीज़न यही है। इसका रीज़न ये है कि आप जैसे जानते हैं कि हिंदुस्तान में पास्चर लैंड दिन ब दिन घटता गया, और कुछ सरकारों ने तो जो ट्रेडिशनल जो पास्चर लैंड, जिसको चारागाह बोलते हैं, वो भी गरीब गुरबा किसानों को आवंटित कर दिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे जो हमारे देश में जो लाइव स्टॉक की संख्या है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उन लाइव स्टॉक का जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके कारण से आजकल सरकार ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है कंपोस्ट पर, जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं, ऐसा खेती जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हो। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की भी एक सीमा होती है, आपको
मिक्स करना पड़ेगा दोनों, मतलब ऑर्गेनिक प्लस केमिकल। अब दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तब तो खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ेगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में जो मार्जिनल जो किसान हैं उनमें इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो फर्टिलाइजर का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, ऑर्गेनिक या केमिकल, जिसके कारण से या पेस्ट, उसमें जब आप इरिगेटेड लैंड में खेती करेंगे, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे, तो साथ साथ आपको पेस्टिसाइड्स, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं, पेस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी पौधे पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग करना होगा। और हमारे जो 70% जो मार्जिनल किसान हैं उनकी इतनी स्थिति नहीं है कि वो समय समय पर पेस्टिसाइड का उपयोग करें, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें या कंपोस्ट खाद का उपयोग करें, तो जिसके कारण से हमारे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उस वो कम हो जाता है। तो इसके लिए हमें किसानों को समय समय पर क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ेगी। दुख की बात यह है कि अधिकांश जो रिच किसान हैं वो सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो क्रेडिट फैसिलिटी मुहैया कराए गए वो अधिकांश भाग उसका वो उपयोग कर लेते हैं। सरकार ने नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में किया ताकि जो गरीब गुरबा किसान हैं, जो छोटे मझोले किसान हैं, सबको फायदा मिले। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में, हालांकि उनको फायदा मिला, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अधिकांश जो फायदा है वो कुलक, जिसको रिच किसान कहते हैं। इनके द्वारा इसका उपयोग किया गया, ये दूसरी समस्या है। इसके बाद में सबसे बड़ी समस्या है स्टोरेज। स्टोरेज फैसिलिटी हिंदुस्तान में बहुत कम है, हालांकि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा नेशनल ग्रिड या देहाती क्षेत्र में भी स्टोरेज की स्थापना किया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है, जिसके कारण से हमारा जो प्रोडक्शन है वो उसका 1/3 भाग वेस्ट चला जाता है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो इस वेस्टेज को रोकना सबसे ज़्यादा जरूरी है और स्टोरेज फैसिलिटी करना जरूरी है, खास करके आलू के लिए जो कुछ दिनों में ही सड़ जाते हैं, किसान को फेंकना पड़ता है। टमाटर के लिए तो जो एक फॉल्टी सिस्टम है हमारे देश में, लैक ऑफ अब इसका माने क्या होता है, लैक ऑफ राइट लैंड यूज पॉलिसी। अब दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रवृत्ति है वो नकलची की प्रवृत्ति है, कि अगर एक किसान टमाटर का उत्पादन करता है तो दूसरा भी टमाटर का ही उत्पादन करेगा, और उसका देखा देखी दूसरे लोग उस इलाके में अगर उनको कुछ भी प्रॉफिट हुआ है पिछले साल तो इस साल सभी लोग टमाटर का ही उत्पादन करेंगे। और इसका परिणाम ये होता है कि जब ज़्यादा मार्केट में किसी चीज़ का एक्सेस हो जाता है तो आप जानते हैं कि उसका खपत कम होता है, उसका लागत मूल्य में नहीं मिलता है, रेट में कमी हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में किसान को टमाटर जैसे चीज़ को फेंक देना पड़ता है। आलू रोड पर आपने देखा होगा किसानों को फेंकते हुए, वो रीज़न क्या है, क्योंकि जब एक्सेस पैदावार हो जाएगा उस इलाके में तो जहाँ पर कंजम्पशन से ज़्यादा अगर जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो माल बिकेगा ही नहीं, और आपके पास में स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं तो आप ज़्यादा दिन तक तो उसको रख नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, रोड पर फेंक देते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस एरिया के लिए ईयरमार्क किया जाए कि यहाँ पर इस फसल का उत्पादन होगा, ये एरिया इस फसल के लिए होगा, ताकि
प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में बैलेंस बना रहे। सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ पीजांट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीजांट्स को, किसान को, तीन प्रकार की ऋण की जरूरत होती है। पहला शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म में आएगा जैसे कि आपको खेती करना है, ट्रैक्टर के भाड़े देने हैं, बीज खरीदना है, तो इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। दूसरा मीडियम टर्म, मिड टर्म के लिए, जैसे कि लैंड को डेवलप करना है तो उसके लिए मिड टर्म लोन की जरूरत होती है। और लॉन्ग टर्म में जैसे किसान के बच्चे की शादी कराना है, उसको एजुकेशन देना है, तो तीन प्रकार के लोन की जरूरत होती है किसान को। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसान ऋणग्रस्तता से परेशान है, और इसी कारण से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और दूसरे राज्यों में सैकड़ों की तादाद में किसानों ने आत्महत्या किया है। उसका रीजन यही है कि उन्होंने ऋण लेकर के खेती किया या मिड टर्म लोन लिया, अब खेती पूरी तरह से फेल हो गया, उत्पादन नहीं हो पाया, तो एक तो वो जो मनी लेंडर के हाथ के शिकार हो गए, उनकी जमीन वो मनी लेंडर ने या बैंक, कमर्शियल बैंक ने कब्जा कर लिया, मॉर्गेज कर लिया, तो इससे परेशान होकर के किसानों ने सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में पिछले 10-15 सालों में आत्महत्या किया है। तो इस स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल से निजात दिलाना जरूरी है। सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजना शुरू किया हुआ, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस की योजना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, उसका भी उपयोग किसानों के द्वारा की जा सकती है। एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो खेती किए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स, जैसे फूड ग्रेन्स में चावल आएगा, मक्का, तिलहन, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि तीन प्रकार के फसल होते हैं, एक खरीफ फसल होता है, एक रबी होता है, एक जायद होता है। तो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो क्या है कि किसानों के द्वारा फूड ग्रेन्स उत्पादन पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अब जानते हैं कि इसमें जो फायदा होता है फूड ग्रेन्स में, उसका फायदा कम होता है, उनका भाग कम होता है वनस्पति की कैश क्रॉप से। तो जैसे कि आप खरीफ फसल में देखेंगे कि तो 2/3 2/3 ऑफ द क्रॉप एरिया राइस या सोयाबीन, इसके उत्पादन में पूरे जमीन को लगा दिया जाता है, या शुगर केन। शुगर केन तो आजकल बहुत कम उपजने लगा है, और रबी फसल में तो जो फूड ग्रेन्स का जो प्रतिशत है वो कितना रहता है, 3/4 ऑफ द क्रॉप एरिया। ज्यादा इलाके में फूड ग्रेन्स का उत्पादन होने से आप जानते हैं कि इसका जो रिटर्न होता है वो कैश क्रॉप के अनुपात में कम होता है, तो इससे किसानों की जो माली हालत है उसमें ज्यादा इजाफा नहीं हो पाता है। ये हमारे एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण ड्रॉबैक है।
एक जो समस्या है कि लिमिटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 55% भाग में हिंदुस्तान का जो पूरा क्रॉप एरिया है वो इरिगेटेड है, कायदे से इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर को सोशल स्टेटस बहुत कम है। जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनको समाज के द्वारा उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि किसान का बच्चा जब पढ़ लिख जाता है तो वो छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए शहर भागता है। और इसके अतिरिक्त जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होना चाहिए उसके लिए किसान को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारे देश का जो जलवायु है वो इस प्रकार से है कि हम 3-4 फसल एक ही खेत से ले सकते हैं। ऐसी सुविधा विश्व के किसी दूसरे देश के पास नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सालों भर तक सूरज की रोशनी प्रकाश रहती है और टेम्परेचर भी हमेशा एक सिमेट्रिकल रहता है, बहुत ज़्यादा डिप नहीं होता है कुछ एरिया को छोड़ के। तो ऐसी परिस्थिति में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है कि बहुत सारे ज़मीन उन लोगों के पास में है जो शहर में रहते हैं, अर्बनाइट हैं, और ये लोग जो शहर में रहते हैं उनके पास में 40-40 एकड़ ज़मीन है, उनका ज़मीन ऐसे ही बिना कल्टीवेशन के पड़ा रहता है, वेस्टलैंड हो गया, या खेती भी कोई कर रहा है शेयर क्रॉपर्स या टीलर्स, तो उसको खेती खेत के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसका ज़मीन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होना चाहिए था कि एक साल में 3 फसल ले सकें, 4 फसल ले सकें, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पैदा कर सकें, जो आजकल हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की विशेषता है और जो पश्चिमी देशों में इसका उपयोग किया जाता रहा है, ऐसा उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कि जो खेत का जो मालिक है वो शहर में बैठा हुआ है और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो समझता है कि साल में अगर धान का पैदावार उसका आधा हिस्सा मिल जाए दैट इज सफिशियंट फॉर हिज अपकीप, क्योंकि उसके पास में आमदनी के दूसरे स्रोत भी हैं। और जो टीलर ऑफ द लैंड है या शेयर क्रोपर है उसको खेत के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से जो हमारे एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास इतना बड़ा एरिया नेट सॉन एरिया होने के बावजूद, क्रॉप एरिया होने के बावजूद, हम लिमिटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर में विश्व के बहुत सारे देशों से बहुत पीछे हैं। एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का है वो है कि हम लेगुमिनस प्लांट से कल्टीवेशन पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। दोस्तों जानते हैं आप, सिर्फ 21% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इज अंडर लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस में क्या होता है? पल्सेस, सोयाबीन और सरसों, तेलहन, ये जो लेगुमिनस खास करके जो सोयाबीन है या जो मूंग जो दाल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है लेगुमिनस का। इस लेगुमिनस प्लांट की विशेषता क्या होती है? ये वातावरण से नाइट्रोजन खींचता है और उसको अपने में जमीन में समाहित करता है, जिससे कि खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमारे देश में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है और जिसका परिणाम ये होता है कि जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग भी ज़्यादा नहीं करते हैं। पंजाब में सिर्फ 175 केजी पर हेक्टेयर और हरियाणा में 160 केजी पर हेक्टेयर का उपयोग होता है, जो विश्व के मानकों से कम है। अगर हम लेगुमिनस प्लांट्स का भी पैदावार करें, खासकर के मूंग दाल को उपजाएं, तो उससे होगा कि उसकी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत बढ़ जाएगी
और सबसे जो इसका माइनस पॉइंट यह है कि 21% क्रॉप एरिया होने के बावजूद भी फूड ग्रेन में लेगुमिनस प्लांट्स का जो शेयर है वो सिर्फ 12% है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हाई यील्डिंग वेराइटीज का जो उपयोग हुआ था व्हीट में राइस में, उसका उपयोग लेगुमिनस सॉइल में नहीं हुआ। मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज लेगुमिनस सॉइल में अभी तक नहीं आया, क्योंकि इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो चाइना से, जैसे मैंने आपको बताया आपको कि आधा है, तो इसमें बढ़ाने की आवश्यकता है और किसानों को प्रेरित करने की आवश्यकता है कि आप जब दो फसल लेते हैं तो तीसरा फसल अनिवार्य रूप से लेगुमिनस प्लांट्स का लें, मूंग दाल उपजाएं, ऐसे सोयाबीन का उत्पादन करें, तो इससे क्या होगा कि खेत की उर्वरा शक्ति नहीं घटेगी। तो दोस्तों, मैंने इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी बात बताई, प्रॉब्लम्स के बारे में बताई, टाइप्स के बारे में बताई, और एग्रीकल्चर क्या होता है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस किस कमियों से वो जूझ रहा है, इसके बारे में भी हमने बताया। अब मैं सिर्फ तीन और प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद में इस टॉपिक पर अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा। तो पहला है लेबर इंटेंसिव। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर की जो मेन कैरेक्टर है वो है लेबर इंटेंसिव, जिसमें कि बहुत सारे काम जैसे सोइंग हुआ, वीडिंग हुआ, खरपतवार निकालने का काम, या बुआई करने का काम, या खेत जोतने का काम जिसमें कि ड्रॉट एनिमल का इस्तेमाल करते हैं, वो जगह बैल या कैमल मतलब ऊंट या बफोलो का इस्तेमाल किया जाता है खेत जोतने के लिए। अमेरिका का जो एग्रीकल्चर है वो है कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन हमारे यहां का जो एग्रीकल्चर का जो कैरेक्टर है वो है लेबर इंटेंसिव, जिसमें कि किसानों के अथक प्रयास, अथक मेहनत उसमें शामिल होते हैं, फिजिकल मेहनत जिसको ड्रजरी बोलते हैं अंग्रेजी में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लेबर इंटेंसिव जो कैरेक्टर वो पूरे देश के किसानों के लिए लागू है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हिंदुस्तान में 2005 के आंकड़ों के हिसाब से 15.8 ट्रैक्टर पर 1000 हेक्टेयर्स 2005 हिंदुस्तान में 15.8 ट्रैक्टर प्रति 1000 हेक्टेयर पर 2005 में था। अभी 2020 चल रहा है तो निश्चित रूप से ट्रैक्टरों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। इसी पीरियड में चाइना में 7 ट्रैक्टर पर 1000 हेक्टेयर्स पर चाइना में था। मतलब चाइना में ट्रैक्टर की संख्या हमारे देश में ट्रैक्टरों की संख्या की सिर्फ आधी थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है, और वो माइनस पॉइंट क्या है कि ये जो मैकेनाइजेशन हुआ या हो रहा है वो 30% जो किसान है, जो लार्ज होल्डिंग्स वाले किसान हैं, जो कुलक हैं, जिनके पास कैपिटल आ गया है, खास करके वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, कावेरी डेल्टा या कृष्णा गोदावरी डेल्टा के किसान, महानदी डेल्टा के किसान, या जो बंगाल और ब्रह्मपुत्र नदियों
के आसपास के जो इलाके हैं जहाँ काफ़ी उपज वाली मिट्टी है वहाँ के किसान, इन किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से, और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा रिच किसानों ने किया। लेकिन जो 70% जो किसान है, जो लेबर, जो मार्जिनल फार्मर्स है, जिसका लैंड होल्डिंग एक एकड़, एक हेक्टेयर या दो हेक्टेयर या चार हेक्टेयर से कम है, उनकी तादाद 70% है, तो ऐसे जो या 10 हेक्टेयर से कम है उनकी तादाद को, उनकी तादाद 70% है, तो ऐसे जो किसान हैं उनके पास में इतनी ताकत नहीं है कि वो फार्म मैकेनाइजेशन या नए नए इंस्ट्रूमेंट खरीद सकें, ट्रैक्टर खरीद सकें। कुछ किसानों ने जरूर खरीदा है लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। तो बेसिकली 70% की खेती के लिए लेबर इंटेंसिव, जहां पर कि वीडिंग, सोइंग या फार्मिंग या कल्टीवेशन, ये सब फिजिकल लेबर पर आधारित होते हैं, तो इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो समस्या है हमारे देश में वो है किसानों को अपने उपज का या लागत का सही मूल्य नहीं मिलना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान बहुत मेहनत करने के बाद में पैदावार करता है, लेकिन सबसे जो दुखद पहलू है कि बिचौलिया, इंटरमीडियरीज, गांव-गांव में घुस गए हैं, और जब किसान जींस का उत्पादन करता है उनके पास ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी होती नहीं है, वो जल्दी से जल्दी उन जींस को बेचना चाहता है, और जहाँ जहाँ से उसने लोन लिए हैं उसको चुकता करना चाहता है। इसका फायदा इंटरमीडियरीज में बिचौलिया लोग उठाते हैं। हालांकि सरकार ने जगह जगह पर हर जिले में मंडी की व्यवस्था किया है, लेकिन वो भी एडिक्वेट नहीं है, पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो इसके कारण से किसान के उपज का अधिकांश भाग इन बिचौलियों के द्वारा हड़प कर लिए जाते हैं, उनको सही मूल्य नहीं मिलता है। और इसीलिए जैसे MSP सरकार ने निर्धारण किया है, लेकिन ये बिचौलिया कभी भी MSP पर कोई सामान नहीं खरीदते, कोई जींस नहीं खरीदता है। ये जो मार्केटिंग सिस्टम है वो खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। बाकी राज्य में बिचौलिया का बोलबाला अभी भी है, तो इन बिचौलियों को ख़त्म करना आवश्यक है ताकि किसानों को सही, अपने उपज का सही मूल्य मिल सके। एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सॉइल इरोजन की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सैकड़ों नदियां हैं, कुछ पेरेनियल नदी हैं, कुछ बरसाती नदी हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर कि देश में क्या होता है कि जो हमारा जो रेनी सीजन होता है, तो एक कहावत है कि इट डजंट रेन बट पॉर्स, जिसको मूसलाधार बारिश कहते हैं। जब बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश होती है, उसके बहाव इतने तेज होते हैं कि अच्छे अच्छे मिट्टी को वो काट करके अपने साथ ले जाती है। और जो सूखा इलाका होता है, खास करके रेगिस्तानी इलाका, जो राजस्थान का इलाका है या कुछ भाग पंजाब का और गुजरात का इलाका है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, हवा चलती है, तो उसके कारण भी जो है ना सॉइल का इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। बहुत सारी नदियाँ, जैसे चंबल की नदी है, उसके द्वारा, उस नदी के द्वारा यूपी में, MP के और राजस्थान के इलाकों में हजारों हेक्टेयर जमीन को गली इरोजन बोलते हैं इसको, इसके द्वारा जहां पर कि
मिट्टी में छेद किया जा करके उसको सारी जमीन को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं और उसको बोलते हैं दर्रा या चंबल का बिहड़। इस हजारों एकड़ जमीन में बिहड़ का निर्माण हो गया है जिसमें कि बड़े बड़े गड्ढे उत्पन्न हो गए हैं। तो दोस्तों ये सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा समस्या है और इसको रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर फॉरेस्टेशन बंड का निर्माण टेरेस का निर्माण के लिए किसानों को उत्साहित किया, खुद बनाया है और किसानों को भी इन सब एक्टिविटीज करने के लिए प्रेरित किया है, उन्हें सब्सिडी दिया है ताकि शेष जमीन को बचाया जा सके। तो इसके संबंध में सॉइल इरोजन के संबंध में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप जरूर देखें उसको। और लास्ट में मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंतिम पॉइंट है वो है ट्रेडिशन बाउंड। एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो बड़े किसान हैं वो ट्रेडिशनल है। बहुत सारे किसान तो मॉडर्नाइज हो गए हैं लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी भी ट्रेडिशन बाउंड हैं। और जो नई पद्धति से साइंटिफिक पैटर्न से एग्रीकल्चर करना नहीं चाहते हैं उनके लिए लैंड एक प्रेस्टीज का सिंबल है। वो शहर में रहते हैं, उनके बच्चे भी शहर में रहते हैं, खेत पर जाते भी नहीं, नए नए टेक्निक्स का उपयोग करना नहीं जानते और ना चाहते हैं। जो उनका शेयर क्रोपर है या जो उनका खेत करता है उनको खेत के विकसित करने या साइंटिफिक टेक्निक के माध्यम से उपज बढ़ाने के लिए उसका कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसका खेत नहीं है। जो हमारे यहाँ जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हुआ या लैंड रिफॉर्म हुआ उसमें बड़े बड़े जमींदारों ने बेनामी पद्धति से अपने रिश्तेदारों के नाम से बहुत सारे जमीन अपने हाथ में अभी भी रखे हुए हैं लेकिन उस जमीन का वो सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारा ऐसा लैंड है हमारे पास में जो कि अनप्रोडक्टिव है। तो उसको भी सुधार करने की जरूरत है और सीलिंग सीलिंग ऑन होल्डिंग्स जो लैंड रिफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो हर एक राज्य ने कानून बनाया है खास करके जमींदारी एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट 1951 के द्वारा बाद से। तो ये सबसे पहला कर्तव्य राज्य सरकारों का कि ये पूरे जमीन का उनका कंप्यूटेशन करे, नए ढंग से उनके सारे खाता खेसरा का कंप्यूटराइज करे और ये पता लगाए कि जमीन किसके नाम से, सरकार को पता चल जाए। और जो सीलिंग ऑन होल्डिंग जो एक महत्वपूर्ण भाग है लैंड रिफॉर्म का उस पर अगर सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन किया गया तो बहुत सारे एक्सेस लैंड सरकार के पास में आ जाएंगे जो पूर्व के जमींदारों ने बेनामी लोगों के नाम से उन जमीनों को अपने पास रखा हुआ है। तो इससे जो भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, उनमें जब इन जमीनों के एक्स्ट्रा लैंड को बांटा जाएगा तो इससे भी हमारे देश के जो एग्रीकल्चर पर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अधिक से अधिक जो है एरिया हमारे पास में नेट सोन एरिया या क्रॉप्ड एरिया बढ़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको आज
इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके डिफरेंट रीजन्स के बारे में कि क्या क्या उसके स्पेसिफिक क्रॉप पैटर्न है उसके बारे में हमने बताया, इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और सरकार के द्वारा समय समय पर कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम उठाए गए हैं किए गए हैं उसके बारे में भी मैंने बताया। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच।